नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव अब अपने चरम पर है, खत्म होने वाला है। कुछ ही पल बचे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और चुनाव खत्म हो जाएगा। तीनों चरण के मतदान खत्म हो गए हैं बिहार में। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर बिहार में तीन चरण के मतदान हुए और 10 नवंबर जो कि आज है, और आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो घोषित होने वाले हैं। पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर पटना के माल रोड में, जहाँ पर अनंत सिंह का ये आवास है, सरकारी आवास है, जो कि इस बार आरजेडी की तरफ से है और मोकामा में उनका नाम है। बिहार में बाहुबली नेता के नाम पर जाने जाते हैं और मोकामा से वो इस वक्त आगे हो रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आज जो है तकरीबन शाम तक ये फाइनल होने वाला है, रिजल्ट आने वाले हैं। और महागठबंधन जो है, महागठबंधन लगातार एनडीए को टक्कर दे रहा है। रुझान जो है वो लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। आप कह नहीं सकते ना, हम आपको भी बता सकते हैं एक्यूरेट कि किसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ टक्कर जो है वो दोनों तरफ से बराबर, दोनों पार्टी की लगातार जो है आपस में टक्कर जारी है। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अनंत सिंह के आवास पर, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने वीडियो चलने से कहूँगा, यहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं जो यहाँ पर मौजूद होने लगे हैं। और धीरे धीरे बिहार में जो विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो अब धीरे धीरे जो है तेज़ और हो रही है, क्योंकि अब कुछ ही पलों में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार सब कुछ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर टीवी के जरिए लोग, पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर देख भी रहे हैं कि किस तरह आखिर कौन सी पार्टी किस तरह आगे जा रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट को मैं कहूँगा, सर आप इधर दिखाइए। यहाँ पर अनंत सिंह के जो हम सरकारी आवास पर पटना में भी हम खड़े हैं, यहाँ पर शाही दावत का भी आयोजन किया गया है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के समर्थक हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सबका उन्होंने खाने पीने का पूरा व्यवस्था करा के उन्होंने रखा है, आयोजन किया गया है। यहाँ पर शाही दावत चल रही है। अब देखिए किस तरीके से, ये वो जगह है जहाँ पर शाही दावत जारी है और बराबर उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, उनके समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, अनंत सिंह के समर्थक हैं, वो उनका यहाँ पर खाने का पुख्ता इंतजाम किया गया है। अब देख सकते हैं किस तरह भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा व्यवस्था किया गया है अनंत सिंह द्वारा, यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और अनंत सिंह जो है फिलहाल अभी आगे भी चल रहे हैं मोकामा में, मोकामा की तरफ से मोकामा में खड़े हुए हैं, मोकामा से खड़े हुए हैं, आरजेडी की तरफ से खड़े हैं और आगे चल रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही पलों में अब फैसला आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो घोषित होने वाले हैं और पता चलने वाला है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, बिहार का ताज जो है वो कौन पहनने वाला है, आज पता वो चलने वाला है।